गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कळयति नयनं देश देश बलेतां पङ्कजमिव मृदो मारुत चलेत कळयति नयनं देश देश बलेतां पङ्कजमिव मृदो मारुत चलेतां प्रविशति राधा प्रतिपद समुदिता मनसि जबाधा प्रतिपद समुदिता मनसि जबाधा कलयति नयन देश देश बलेता पङ्कजमिव मृदो मारुत चलेत कळयति नयनं कळयति नयनं कळयति नयनं अस्मदीय गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव वृंद शुद्धि भक्त वृंद समस्त चरण से यधमर यथाथ प्रणाम आमे माने श्रवण करुले गत अध्याय चतुर्दश अवतार सुत महर्षि वर्णना करुंट प्रहलाद हिरण्यकश्यप विदारण कले जे नरसिंह अवतार एवं प्रहलाद महाराज बर मागिले हे प्रभु मोर बापा को आप उद्धार कर दिंतु नरसिंह भगवान कहले प्रहलाद तोर भली पुत्र जो कूल में जन्म निए तार एक पुरुष को उद्धार कर दिए एवं ये कौन एवं एपरिकी तोर पर पीढ़ी जो मैंने आसवे से मू के आउ बद्ध करी ना भगवान संकल्प ने तेणु आपण शुणे आ परवर्ती पर्यायर जी भगवान प्रहलाद पुत्र विरोचन विरोचन पुत्र बलि महाराज ताकु चाहिए भगवान युद्ध करते कि ना जेहेतु युद्ध करे संकल्प नहीं बद्ध करे तेणु निजे बामन बेसरे बटु बामन बेसरे जा मागिकी आणिले एवं एपटे प्रहलाद को कहले प्रहलाद तोर बापा विषय कहचु मु जो जगार पूजा हे से स्थान रे तोर बापा आम मो सहित रही एपटे देखु केते भगवान कृपा भक्त लगे रावण भगवान राम पूजा पाउचंती किंतु रावण सहित नुह कंस पूजा भगवान भगवान कृष्ण पूजा पाउचंती किंतु कंस सहित नुह किंबा शिशुपाल दंतवक्र सहित नुह किंतु नरसिंह भगवान पूजा पाउचंती हिरण्यकश्यप सहित भगवान दुईटे स्वरूप गोटे उग्र नृसिंह रूप आउ गोटे लक्ष्मी नृसिंह रूप उग्र नृसिंह रूप ए भौम मंडल जो भगवान नरसिंह रूप नहीं ये जगत को आसती हिरण्यकशिपु विदारण करती से होती उग्र नृसिंह एवं वैकुंठ से नित्य तांकर धाम रे से सदा सर्वदा रहती लक्ष्मी नृसिंह रूप से जहाँ उरु प्रदेश रे जंघ प्रदेश रे लक्ष्मी विराजमान से होती लक्ष्मी नृसिंह जयदेव गोस्वामी पाद यही संबंध में भल सुंदर भाव चतुर्थ पदर गीत गोविंद
गान करिसंती नृसिंहदेवंकर वंदना तब कर कमल बरे नख मद्भुत श्रृंगं दलित हिरण्य कशिपुतन भृंगं केशवद्रुत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। कले जय जगदीश हरे। हे जगदीश हे हरि हे केशव आपण हिरण्यकश्यपु विदारण करने नरसिंह अवतार नेले। श्रीधर गोस्वामीपाद प्रार्थना करुचंती श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग बागी साजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहं भजे प्रह्लाद हृदयालादं भक्तविद्यविदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारिन्द्रवदनं हरि जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद। श्रीधर गोस्वामीपाद लक्ष्मी नृसिंहकर स्वरूप को वर्णना करुचंती बागीसा जस्य बदने लक्ष्मी रजस्य च बक्षसी जहाँकर बक्ष प्रदेश रे लक्ष्मी विराजमान एवं प्रह्लाद हृदयालादम भक्त विद्या विदारणम जे प्रह्लादर हृदय आनंद वर्धनकारी एवं भक्तर हृदय अविद्या को जे विदारण करती जो नृसिंहदेव से नृसिंहदेव को आम मैंने प्रणाम करुचु। बोलो नरसिंह भगवान की। भक्ति विघ्न विनाशनकारी नृसिंह रूप में बलि भग बलिदेव कह बलि राजा कहते हे बामन देव तमे छोट अच्छ तेणु बुद्धि छोट अच्छी बलि राजा पाखरे थरे आसीच मो पाखरु एई भाव दान मागिक नियो जे जहा त्रिभुवन तुमको आउ केबे मध्य दान मागिबाकु पड़िवनी किछि त नियो। बामन देव कहिले हाँ मोर बुद्धि छोट हेले मध्य आमे ब्राह्मण कुळरे जन्म बेसी आमको दरकार नाही केवल तीन पाद जमी है गले बसी कुड़िया खंडे करी भजन करने हो बेसी जमी दरकार ना। बलिराजा कहले तेबे आपण को पादरे तो आपण को पाद बहुत छोट आपण कहीं नापिक ने बरम आउ किए बड़ लोक थे पादरे मापिक नतुबा मो पादरे मापिक नि। भगवान कहले ना ना मोर छोट पाद ही यथेष्ट तुम्हें सत्य कर। बलिराजा कहले हे ब्राह्मण देव ये बलि पाखरे आपण हाथ पचाऊँ मात्र तीन हाथ जमी ता सहित पुणी सत्य करने को कौच ठीक अच्छे सत्य करुचंदुक्राचार्य से मना करु बलि महाराज तथा शुणिले दान रे जी श्रेष्ठ दान वीर बलि राजा जी दान करकल्प करुचंदुक्राचार्य को प्रत्याख्यान कले गुरु को प्रत्याख्यान कले भगवान को बरदान करने आज भगवान बरदान मगुचंती तीन पाद दान मागिले छलनार सहित संकल्प हो सर भगवान प्रथम पादरे नापिले स्वर्ग को द्वितीय पादरे मापिले पृथ्वी लोक को एवं तृतीय पादर हो गला कहले बली तो पाखे आउ तो स्थान ना तृतीय पाद मत दिए रखी को जगह बलिराजा कहले हे प्रभु आपण मोर जहाँ थी सबको नहीं गले किंतु मुँह को तो नहीं नहांती माया हूँ मुँह मोर को माया बोली कह जाए आपण मोर को नहीं गला परे जदि मु बंची थाए ताहले मु आउ थरे पुणी मोर सब जमेकी रखिदेव जो भाव आम कि आनी नथिले किंतु मु कार आसीबा जोगु
ମୋର ଜଗତର ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇ ଗଦା ବନେଇଦେଇ ତା ଉପରେ ବସିଯାଏ, ଆମେ କହୁଛେ ଏସବୁ ମୋର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋର, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ଆଜି ବଳିରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋର ତ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମସ୍ତକକୁ ଶରଣାପନ୍ନ କଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ପାଦ ଦାନ ତୃତୀୟ ପାଦ ରଖିଦେଇ ନାଭେରୁ ପାଦକୁ ବାହାର କଲେ, ତୃତୀୟ ପାଦ ରଖିଦେଇ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ତଳକୁ ରସାତଳକୁ ଚାପି ଦେଲେ। ଏଠି ବିଚାର ଆସୁଛି ଭଗବାନ ଉରୁକ୍ରମ ରୂପ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଅବତାରରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ କମଣ୍ଡଳ ରଖିଥିବା ଜଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରେଇଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଅଭିଷେକ ଜଳ ବା କୁହାଯାଏ କାରଣ ଦୋକ ସେଇ ଜଳ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଭେଦ କରିଯିବା ଫଳରେ କାରଣ ଦୋକ ସେଇ ଜଳରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାମନ ଅବତାରରେ। ଅତେବ ଇଏ ବାମନ ଅବତାର ସତ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ରୂପ ବାମନ ରୂପ। ତାକୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଇଏ ମୁଁ ଆଉ ମୋରକୁ ଅପହରଣ କଲେ, ହରଣ କରିନେଲେ, ଭଗବାନ ଦାନ ନେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ, ଏବଂ ତାକୁ କବି ପଣ୍ଡିତ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଛଳୟସି ବିକ୍ର ମଣେ ବଳି ମଦ୍ଭୁତ ବାମନ ପଦନଖରେ ରାଜ ନିତ ଜନ ପାବନ କେଶବ ଦ୍ରୁତ ବାମନ ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ବଳି ରାଜାକୁ ଛଳନା କରି ବାମନ ମହାରାଜ ବାମନ ଦେବ ଆଜି ଦାନ ମାଗିନେଲେ, ତିନି ପାଦ ଦାନ ନେଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟିନେଲେ ତ, ଏବଂ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଛଳନାରେ ନିଜେ ଫସିଗଲେ, ବଳିଙ୍କ ଘରେ ରସାତଳରେ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅତେ ଇଏ ବିଶେଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବାମନ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କଲେ, ମାଗି ଧରଣୀ ତିନି ପାଦ ହରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଦଶେ ହେଲେ ପଞ୍ଚ ଦଶେ ହେଲେ ବଳିର ଜାଗ ଉଗମିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ କରୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବାମନ ପଞ୍ଚଦଶେ ହେଲେ ବଳିର ଜାଗକୁ ଗମିଲେ, ବଳିର ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗପଦକୁ ହରଣ କଲେ ଇଏ ବାମନ ମହାରାଜ। ଏବଂ ବାମନ ଦେବଙ୍କ ଅବତାର ପରେ ଷୋହଳ ଅବତାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ରୂପ ନେଲେ, ଯାହା କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କଲେ, ଯାହାକି ପରଶୁରାମ ଅବତାରରେ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯମଦଗ୍ନି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରେଣୁକା। ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଏକୋଇଶ ଥର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କଲେ ପୃଥିବୀକି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ ଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ପରଶୁରାମ ଅବତାରକୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ପଞ୍ଚୁକ ଯଦି ଛଅ ଦିନ ପଡ଼େ ତେବେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନ ଦିନ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ପରଶୁରାମ ଅବତାର ପ୍ରତୀକ। ସପ୍ତଦଶ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବେଦବ୍ୟାସ,
ज्ञान शक्ति र आवेश अवतार नेले सप्तदश अवतार वेदव्यास जे कृष्ण वर्ण होते तांकर नाम होची कृष्ण एवं पराशर सत्यवती ठारु जमुना नदी गोटे द्वीपरे प्रकट होते जन्म नहीं द्वैपायन एवं वेद को चारिभाग करते कहुए वेदव्यास अतए कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास वेद को चारिभाग कले एवं महाउपनिषद रचना कले वेदांत सूत्र एवं विशेष ग्रंथ महाभारत सप्तदश पुराण एवं शेषे प्रसन्नता पाई ये श्रीमद् भागवत महापुराण मध्य रचना कले जहाँ भगवान सप्तदश अवतार वेदव्यास अवतार हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन जय दाओ जय दाओ जय दाओ राधा मदन मोहन जय दाओ जय दाओ गिरिधरी गोपीनाथ जय दौ जय दौ गिरिधरी गोपीनाथ जय दौ जय दौ हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम हरि हराय नम कृष्ण जादवाय हरि हर